मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने वचन दिया कि राज्य में उसकी सरकार बनने पर किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ करने की योजना जारी रखने के साथ ही महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए नारी सम्मान निधि के रूप में प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी का वचन पत्र जारी किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा भी मौजूद रहे। वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सर, आज जिस प्रकार से वचन पत्र जारी किया गया, मुख्य ऐसे कौन से बिंदु है, क्योंकि एक बड़ी योजना आप ला रहे हैं बच्चियों के लिए, मेरी प्यारी बेटी, इसके अंतर्गत कितनी राशि दी जाएगी और मुख्य बिंदु और कौन कौन से जिसको लेके आप आम जनता? बिटिया रानी, ये कॉन्सेप्ट है कि किसी भी बच्ची को बिटिया, चूंकि हम लोग जो जेंडर रेशियो है वो और बेहतर हो, पहले से सुधरा है लेकिन और बेहतर हो, पुरुष और बालिकाओं का और बालकों का, इसलिए हम लोग इस पर इंसेंटिव दे रहे हैं और 2,51,000 रुपए उसके जन्म से जब उसकी शादी हो जाएगी उस दरमियान हम उतनी राशि उस कन्या को देंगे, ये है उसका सार। इसके साथ ही धर्म और आस्था को लेकर जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, आपके वचन पत्र में भी आस्था और विश्वास पर राम पथ गमन, इसके साथ ही सीता मंदिर को लेकर भी बात कही गई है जो 2018 में भी कही गई थी। जी, तो कुछ दिक्कतें आ गई थी उस समय, क्योंकि फॉरेन कंट्री है, दूसरी कंट्री है, सीता माता का मंदिर ये नुवन एलिया प्रोविंस है श्रीलंका में, मैं गया हूँ वहाँ पर स्थित है, तो उसको हम श्रीलंका सरकार, भारत सरकार के माध्यम से, क्योंकि दूसरी राज्य सरकारों से, देश के, भारत सरकार के माध्यम से ही संवाद होता है, तो हम बात करके इसको करेंगे, भव्य रूप देंगे। कर्मचारी और ओल्ड पेंशन OPS एक बड़ी सौगात। जी हाँ, वो ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रति कांग्रेस का कमिटमेंट है, जहाँ जहाँ सरकारें कांग्रेस की हैं वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, लागू हम भी लागू करेंगे उसको। सर आखिरी सवाल, स्वास्थ्य बीमे की राशि जो है 25 लाख रुपए दी जाएगी, तो एक शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य जो है कांग्रेस करने जाएगी। जी हाँ, ये लक्ष्य है शिक्षा और स्वास्थ्य, जैसा मैंने अपने उद्बोधन में कहा, किसी भी वेलफेयर स्टेट की ये अहम जिम्मेदारी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये न्यूनतम शुल्क में या फ्री ये उपलब्ध हो सके सबको, तो वो हम करने जा रहे हैं। ऐसा मुख्य और कौन से बिंदु है जो आम जनता? अब इसमें पढ़ लेना यार, बहुत सारे, अब बहुत हो गया। बिल्कुल, साफ तौर पे ये थे वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि 101 जो प्रमुख मुख्य बिंदु है, कहीं ना कहीं ये आम जनता को साधने के लिए एक बड़ा वचन पत्र जारी किया गया है, और इस वचन पत्र के माध्यम से अब जो तमाम जो कांग्रेस के सीनियर्स लीडर हैं वो चुनावी सभाएं में, चुनावी शो में जो है इस वचन पत्र को लेके जाएंगे और आम जनता के बीच जाके वादा ये करेंगे कि जो हमने आपसे वचन दिया है वो सरकार बनने के बाद पूरा करेंगे। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज़ भोपाल।